संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति ही पजेसिव केस चिन्ह के लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, अथवा कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना, to give। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। This कारक indicates that to whom or for whom it's called संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। Let us learn through some examples। माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बच्चे के लिए दूध लाती है। छात्राः पठनाय विद्यालयम् गच्छति। शिष्य पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं या स्कूल जाते हैं। सज्जनाः विद्यायै सुखं तत्यजन्ति। सज्जन लोगों को विद्या से ही सुख मिलता है। यूयं मित्राभ्यां पुष्पाणि आनयति। तुम सब मित्रों के लिए या मित्र के लिए फूल लाते हो। आचार्याभ्यां नमः। आचार्य को नमस्कार। ईश्वराय नमः। ईश्वर को नमस्कार। सैनिकाः देशरक्षायै तत्पराः सन्ति। सैनिक देश के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। शिक्षिकाभ्यः अपि नमः। हम सब शिक्षक को या गुरुजी को नमस्कार करते हैं। वृद्धाः फलेभ्यः इच्छन्ति। बूढ़े लोगों को फल खाने की इच्छा होती है। वयम् क्रीडायै बहिः गच्छामः। हम सब खेल के लिए बाहर जाते हैं। मेघाः जलाय भवन्ति। अनेक बादलों के लिए या अनेक बादलों से बारिश होती है। अनेक बादलों में पानी होता है। सूर्यः प्रकाशाय भवति। प्रकाश के लिए सूर्य होता है। शब्दार्थः वर्ड मीनिंग्स। दुग्धम दूध मिल्क। भ्रमणाय घूमने के लिए फॉर टूरिंग। आचार्याय गुरु फॉर द टीचर। नमः नमस्कार है ग्रीटिंग्स। तत्परः तैयार रेडी। शिक्षकायै अध्यापिका के लिए फॉर द टीचर। वृद्धाः बूढ़े लोग ओल्ड पीपल। इच्छन्ति वे सब इच्छा करते हैं या चाहते हैं। देविश क्रीडायै खेल के लिए फॉर गेम। बहिः बाहर आउटसाइड। मेघाः अनेक बादल क्लाउड्स। प्रकाशाय रोशनी के लिए फॉर लाइट। If you want to learn the Sanskrit by self, please go through the links I have given in the description below and you can buy those Sanskrit books. Trust me, they are very, very helpful in learning and writing and reading Sanskrit. So don't forget to buy it. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel to stay updated.